लोकसभा चुनाव में नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर बस्तर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से चार नक्सली समर्थक विस्फोटक लेकर नक्सलियों को पहुंचाने की फिराक में थे, मगर पुलिस की सजगता से नक्सली अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस द्वारा नगरनार थाना क्षेत्र में बंकावाड़ चौकी में MPCP लगाई गई थी। एक पिकअप वाहन में चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। वाहन के आगे बुलेरो में मुख्य आरोपी जगदलपुर निवासी सुबल कुमार चौधरी उर्फ सुबू बाबू चला रहा था, ताकि किसी प्रकार विस्फोटक सामग्री पुलिस के हाथ न लगे। इसके पास प्रेस रिपोर्टर का एक फर्जी कार्ड भी मिला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के अलावा उड़ीसा के नवीन जानी जगदलपुर निवासी मनोज तिवारी और एक अन्य नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 बंडल कोडेक्स वायर, 30 बंडल सेफ्टी फ्यूज वायर और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। बस्तर के IG विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि विस्फोटक पदार्थ उड़ीसा के भवानी पटना से नक्सलियों को सप्लाई किए जाने हेतु लाया जा रहा था। पूर्व में भी इनके द्वारा नक्सलियों और कुछ क्रेंसर संचालकों को विस्फोटक पदार्थ सप्लाई किया गया था। बस्तर पुलिस ने उक्त आरोपियों पर धारा 3-4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 38-39 विधि विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नालगोंडा, और जैसे जो कॉडेक्स वायर है और जो डेटोनेटर है नागपुर से इसका ओरिजिन है, तो जहाँ से इसको खरीदा गया था और जिसको सप्लाई किया गया था उसके बारे में हम ट्रेस कर रहे हैं बैच नंबर के आधार पर में, और फिर वहाँ से कहाँ गया, कहाँ से पिलफरेज हुआ, कहाँ से ये पिलफरेज होके इन तक पहुँचा है, इसको हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे क्लू मिले हैं, और जो चार आरोपी जो सबसे इसमें जो इसका माना जा चुका है, और बेसिकली अपने साथ ये पत्रकार का एक ID कार्ड भी रखता था, और मुझे जैसा लगता है कि ये ID कार्ड के माध्यम से और बेसिकली ये गाड़ी के जो इसमें सप्लाई करना होता था उसके आगे आगे चलता था, बेसिकली स्कॉट इसके द्वारा किया जाता था। तो ये बोलेरो में आगे चल रहा था, इसके पीछे में पिकअप 17 मार्च 2019 को बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत थाना नगरनार के बकावन चौकी के अंतर्गत जो अभी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया था, जहां पे एक पिकअप वाहन और बोलेरो वाहन जिसको रोकने के लिए कहा गया था, तो वो गाड़ी रुक के ना तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। उसको बाद में आगे जाके पकड़ा गया और उस पर चेक करने पर पिकअप वाहन में काफ़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव, जिसमें कॉडेक्स वायर जो कि करीबन 3000 मीटर से ज़्यादा, और फ्यूज़ वायर जो कि 5000 मीटर से ज़्यादा, और करीबन 5900 डेटोनेटर वहां से बरामद हुए। और साथ में इस पिकअप वाहन को बोलेरो वाहन के माध्यम से स्कॉट किया जा रहा था, और बोलेरो वाहन में प्रेस लिखा हुआ था, और इसमें चार आरोपी पकड़े गए हैं। चार आरोपी में से तीन आरोपी नवरंगपुर उड़ीसा के हैं और एक आरोपी जगदलपुर का है। और बेसिकली जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा इस एक्सप्लोसिव कॉडेक्स वायर डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज को कहीं पे जाके सप्लाई करना था, और वो क्षेत्र वैसा है जो कि नक्सली अति संवेदनशील क्षेत्र है, और ये संभवतः और जो बातचीत से जो अभी जो खुलासा हुआ उससे यही परिलक्षित हो रहा है कि नक्सलियों के लिए ये सप्लाई जा रहा था। और नक्सली जिस प्रकार से यहाँ पे जो भी IDs और जो प्रेशर IDs मिल रहे हैं उसमें कॉडेक्स वायर का बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं, और ये लोकसभा चुनाव के गड़बड़ी फैलाने के लिए और इसमें विस्फोट करने के लिए इस एक्सप्लोसिव का यूज़ होता है। परंतु बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसको बकावन चौकी के अंतर्गत इसको पकड़ा गया है। निस्संदेह लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये बड़ी सफलता है, और आने वाले दिनों में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे जो विवेचना में और नए तथ्य जो आएंगे उससे आशा है कि और बड़ी सफलता मिलने की संभावना है।